नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। फिलहाल इसमें मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में जिस तरह से कल इसी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया शिवसेना के ऊपर कि धनुष बाण चिन्ह और पक्ष एकनाथ शिंदे का होगा, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि अब अगला पड़ाव यानी उद्धव अब क्या करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी, किस तरह से होगी, क्या उनको धनुष बाण और पक्ष दोबारा मिल सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ एडवोकेट सुभाष काले जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या उद्धव ठाकरे फिर से फाइट करके धनुष बाण और पक्ष ले सकते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। और हम हमारे दर्शक जो है आपको अच्छे से देखते हैं और उसका कमेंट भी देते हैं। तो क्या कहेंगे सर, उद्धव का जो मामला हुआ है अभी इलेक्शन कमीशन ने जो जिस तरह से एकनाथ शिंदे को पक्ष और चिन्ह दोनों दे दिया है, तो क्या उद्धव ठाकरे इसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे, लेकिन किस बेसिक पे जाएंगे और उनको क्या हो सकता है? जैसे मैंने पहले बताया था कि तीन जगह मेन इश्यूज चल रहे हैं। एक इलेक्शन कमिश्नर के पास चल रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और हाईकोर्ट में जो चल रहा है वो कॉरपोरेशन इलेक्शन के बारे में। ये जो इलेक्शन कमिश्नर के पास जो चल रहा था वो स्पेशली शिवसेना किसकी है, उद्धव ठाकरे जी के गट की है या एकनाथ शिंदे गट की है, इसके ऊपर ये फैसला होने वाला था। आपको याद होगा कि जब ये नतीजा या ये जो इशू है, ये इशू जब इलेक्शन कमिश्नर के सामने गया तो उद्धव जी हाईकोर्ट गए थे, दिल्ली हाईकोर्ट, और उन्होंने उस पर उसके पहले वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी की थी कि इलेक्शन कमिश्नर को रोका जाए कि वो इस पे ऊपर कोई फैसला मत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो अर्जी खारिज कर दी। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर के सामने हियरिंग चालू हो गया। दोनों पार्टियों को अपना अपना पेपर्स, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स सब सबमिट करने को बोला, और उसके बाद क्या हो गया कि सिंबल फ्रीज किया गया। अंधेरी में बाय इलेक्शन था और उस वक्त सिंबल फ्रीज किया, नाम भी फ्रीज किया, और दोनों गुट को अलग नाम और अलग सिंबल दिए। उसके ऊपर भी दिल्ली हाईकोर्ट में उद्धव गट गया था कि भाई ये जो ऑर्डर है वो उसके ऊपर स्टे दिया जाए, स्टे मिला में, और उन्होंने कहा कि नहीं, जो प्रोसीडिंग्स इलेक्शन कमिश्नर के सामने चालू है वो नहीं रुक सकती। अभी वो पूरा इलेक्शन कमिश्नर ने पूरे दोनों साइड्स से पेपर्स लिए, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स सुने, दोनों को रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स देने को बोला था, दोनों के रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स आ गई और कल जाके उन्होंने ये फैसला लिया। अभी देखो, वो तो हमेशा रहता है कि हारने वाला हमेशा बोलता है ये गलत है, ये है, वो है, जीतने वाला बोलता है न्याय हुआ। मतलब कितना छोटा सा भी कोर्ट में मामला है, जो जीता उसी तो जो जीता वो बोलेगा सही हुआ, जो हारा वो बोलेगा गलत हुआ। लेकिन अगर हम देखने को जाए तो इलेक्शन कमिश्नर एक स्वायत्त बॉडी, इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट बॉडी है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमिश्नर का गठन होता है, उनको काफी पावर्स है और इंडिपेंडेंसी है, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं आ सकता और वो डिसीजन ले सकता है इलेक्शन के बारे में, कब इलेक्शन लेना है, कब लेना है, किसको सिंबल देना है, क्या देना है, पूरे पावर्स इलेक्शन कमिश्नर के हैं। और उस हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर ने अपना फैसला कल सुनाया। अभी हम देखते हैं कि ये फैसला क्यों आया। अभी इसमें क्या रहता है कि जो समवेयर इन 1971 में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, और वो था सद्दीक अली वर्सेस इलेक्शन कमिश्नर। उस सुप्रीम कोर्ट के उस केस में कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को क्या क्या करना है अगर ये ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है तो। और उस टाइम भी इलेक्शन कमिश्नर ने कल का जो फैसला दिया है उसमें उन्होंने मेरे हिसाब से तीन मेजर पॉइंट्स देखे हैं। एक मेजर पॉइंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है शिवसेना की, घटना जिसको अपन बोलते हैं, वो घटना क्या बोलती है, वो घटना के हिसाब से कौन सही है, कौन गलत है, क्या घटना सही है। अब ये घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1999 में इलेक्शन कमिश्नर ने, जब बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख थे,
उनको उन्होंने कहा था कि आपको ये घटना आपकी है उसमें आपको थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक, लोकशाही को पकड़ कर आपकी ये घटना नहीं है, थोड़ी चेंज करिए, आपको चेंज करना पड़ेगा। और उस हिसाब से बाला साहब ने वो चेंज भी की थी। और कैसे रहता है अभी जैसे पार्टी में प्रेसिडेंट है, फिर स्टेट प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, कमेटी, कार्यकारिणी, ये सब पदाधिकारी, एक फॉर्म रहता है। और जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे तो नीचे के स्तर से ऊपर जाता है, पहले वार्ड अध्यक्ष चुना जाता है, वार्ड अध्यक्ष में मंडल अध्यक्ष चुना जाएगा, मंडल के बाद शहर अध्यक्ष चुना जाएगा, शहर के बाद जिला, ऐसे स्टेप्स होते हैं। लेकिन शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रमुख है, सेना प्रमुख, वो अपॉइंटमेंट करेगा, वो ये नेमणूक करेगा, इसकी नेमणूक, उसकी नेमणूक, प्रमुख की, और फिर वही जो जिनकी नेमणूक की है वही चुनेंगे शिवसेना प्रमुख कौन होगा। तो ये थोड़ा डेमोक्रेटी के खिलाफ था, इसलिए उनको कहा गया था और उस हिसाब से हुआ। लेकिन 2018 में उद्धव जी जब शिवसेना प्रमुख थे, उन्होंने फिर से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बदल डाली, पक्ष प्रमुख बने थे। हाँ, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज किया वो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को बताया नहीं। तो और वो जो चेंजेस है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, लोकशाही के अगेंस्ट था, वो एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये सबसे अहम था कि मेजॉरिटी किसके पास है। अभी यूजुअली क्या होता है, जो इलेक्शन का सिंबल दिया जाता है वो पार्टी को जितने कितने वोट्स है उस हिसाब से पार्टी का रिकग्निशन होता है भाई ये पार्टी नेशनल पार्टी होगी या स्टेट पार्टी होगी। तो मेन है कि तुम्हारे पास तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है। अभी स्ट्रेंथ, पार्टी की स्ट्रेंथ दो बेसिस पे गिनी जाती है, एक आपके पार्टी के पास मेंबर्स कितने हैं, पार्टी मेंबर्स जिसको हम बोलते हैं वो पार्टी मेंबर्स कितने हैं, और दूसरे आपके पास लोक प्रतिनिधि कितने हैं। तो अभी मेंबर्स का जो है कि भाई आप जब स्प्लिट होती है तो कितने मेंबर्स शिवसेना के उद्धव जी के पास गए और कितने एकनाथ शिंदे के पास गए, ये तय करना बहुत कठिन है क्योंकि हर गांव में जाके वो उसका कोई इलेक्शन तो होगा नहीं, नहीं, नहीं। तो फिर होता है लोक प्रतिनिधि के हिसाब से, और लोक प्रतिनिधि के हिसाब से ऐसा देखा गया है कि 55 शिवसेना के चुने हुए आमदार हैं, MLAs हैं, उसमें से 40 आमदार एकनाथ शिंदे जी के साथ थे और बाकी के 15 आमदार उद्धव जी के साथ थे। अभी उनका जो वोट शेयर है जी, जो उनको जो वोट मिले हैं, तो 76% वोट्स वो एकनाथ शिंदे के साइड में गए और 24% वोट्स उद्धव जी के पास रहे। तो नेचुरली वहाँ भी उद्धव जी का पारा नीचे आ गया और एकनाथ शिंदे जी का पारा ऊपर चला गया, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऐसा ही हुआ। तो ये सब मिला के पूरा उसका स्टडी करने के बाद कल जो फैसला आया है तो वो इलेक्शन कमिश्नर ने सिंबल और नाम दोनों दे दिया, शिंदे साहब को दे दिया। सर अब अगला पड़ाव, जैसे कि कल उन्होंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया उद्धव ठाकरे ने और कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इसके खिलाफ, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में किस तरह ये स्टैंड होगा, कि क्या लगता है उसमें स्टे मिलेगा या उनको सिंबल या पक्ष उनको वापस मिल सकता है या सुप्रीम कोर्ट किस तरह जजमेंट दे सकती है? नहीं, अभी ये डेफिनेटली ये जो इलेक्शन कमिश्नर का जो कल का ऑर्डर है वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गट चैलेंज करेगा। वो चैलेंज करने के बाद दो चीज़ें हो सकती है, एक तो जो अभी ऑर्डर है इलेक्शन कमिश्नर का उसके ऊपर स्टे दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जब तक हम सुनवाई पूरी नहीं करते तब तक वो ऑर्डर स्टे, हाल ही स्टे, वो अगर ऑर्डर स्टे हो गई तो शिवसेना और धनुषबाण फिर से किसी के पास भी नहीं, जैसा अभी है, हाँ जैसा अभी था, हाँ जैसे अभी था पहले वैसे हो जाएगा। लेकिन अगर स्टे नहीं दिया जी और सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट स्टे हियरिंग लिया, जैसे मैंने कहा था ना पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए थे कि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर स्टे दो, उनको पावर्स, उनको ये मामला स्टे करो जब तक सुप्रीम कोर्ट का 16 आमदारों का फैसला नहीं होता है। लेकिन उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको कुछ रिलीफ नहीं दिया था। लेकिन इस बार उनको वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो ये अपने को देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या एग्जैक्टली करती है। सुप्रीम कोर्ट स्टे देकर सुनवाई लेती है क्या स्टे दिए बिना सुनवाई करती है? अगर स्टे देकर सुनवाई ली तो फ्रीज हो जाएगा, जो ऑर्डर फ्रीज हो जाएगी। लेकिन स्टे दिए बगैर सुनवाई ली
तो और जो अभी शिवसेना और सिंबल जो एकनाथ शिंदे जी के पास है वो वैसे ही रहेगा, सुनवाई होगी, निर्णय आने तक इनके पास ही रहेगा। और लेकिन अभी तक का जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो ऐसे इलेक्शन सिंबल्स के बारे में हुए हैं, अभी तक तो मेजॉरिटी ऑफ देम, या मैं इतना भी बोलूँगा कि मोस्टली सब ये इलेक्शन कमिश्नर के फेवर में ही हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी, इट्स द हाईएस्ट अथॉरिटी। हाँ, उसकी स्क्रूटिनी शायद सुप्रीम कोर्ट करेगी, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन अभी तक का इतिहास ऐसा बोलता है कि इलेक्शन कमिश्नर के बारे में स्टिल। तो कुल मिला के यही कह सकते हैं सर कि उद्धव के लिए मुश्किल मुश्किलें हैं अभी उनको तो भी। कल इलेक्शन कमिश्नर ने और एक उनको क्या बोलते हैं थोड़ा सा ये रिलीफ दिया हुआ है कि भाई आपका जो नाम है शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे वो, और उनकी जो निशानी उनको दी गई थी मशाल, वो उनको कांस्टेंट रखी हुई है और वो उनको है, और शिवसेना और धनुषबाण एकनाथ शिंदे जी को दिया गया है। तो नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि शिवसेना उन नाम एकनाथ शिंदे को जाने के बाद ये दो जो दिए हुए थे वो कैंसिल होते थे और उसको फिर अप्लाई करना पड़ता। सर एक सवाल यहाँ पर एक ये है कि जो डिसीजन आया है जिस तरह से ईसी का, इलेक्शन कमीशन का, तो इसका असर सर सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है उस पर पड़ सकता है मंगलवार को? नहीं, मैंने पहले ही कहा था आपको कि इलेक्शन कमीशनर के पास जो हियरिंग चल रही है दैट इज़ टोटली डिफरेंट जी। सुप्रीम कोर्ट के पास जो हियरिंग चल रही है दैट इज़ टोटली डिफरेंट इशू। 16 आमदार और उसमें से भी द पावर्स ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, वो मेन इशू है। इसका इलेक्शन कमिश्नर का कल के ऑर्डर का असर पॉजिटिवली या नेगेटिवली सुप्रीम कोर्ट के इस सुनवाई पे कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, दैट इज़ टोटली डिफरेंट इशू। धन्यवाद काले जी। तो ये थे सुभाष काले जी, वरिष्ठ एडवोकेट, और जिसे जो हमको बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे को क्या सिंबल और पार्टी पक्ष जो है वापस मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आप क्या मानते हैं इस फैसले को, आप भी कमेंट बॉक्स पे लिखिए, और पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।